मैं अतुल मिश्रा, लगभग 97 से हैं, 20 से 25 साल हो गए हैं हम लगातार माँ वैष्णो देवी के दर्शन हर साल लगभग लगभग कर रहे हैं। एक बार पिछले लगभग 5 साल पहले हमें चढ़ते हुए ऐसा आभास हुआ कि क्यों ना ये रास्ता, ये दूरी भी, बाणगंगा से माँ वैष्णो देवी भवन तक की दूरी जो कि 12 किलोमीटर है, दंडवत प्रणाम करते हुए चढ़ा जाए। कई दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहे थे लेकिन ये संभव नहीं हो पाया था। माँ की असीम कृपा से ये प्रोग्राम बना हमारा 23 मार्च को। 23 मार्च लगभग दोपहर 1:48 से हमने ये यात्रा चालू की और 25 मार्च सुबह 10 बजे के आसपास 44 घंटे 7 मिनट पे माता की असीम कृपा से यह यात्रा पूर्ण की। इसको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एक नए सेगमेंट के रूप में दर्ज किया है, नया रिकॉर्ड बनाया है इसमें। इस यात्रा में कई तरह की बाधाएं आईं, जैसे अर्धकुंवारी के पहले हमें अचानक से, जिसकी संभावना नहीं थी, ओले और बारिश गिरे और शिवरिंग हुई, लेकिन माता की असीम कृपा से यह असंभव सा दिखने वाला काम हमारे द्वारा संभव हो पाया। ये 44 घंटे 7 मिनट में ये दूरी लगभग हमारे द्वारा तय की गई। पैदल तो 8 से 10 घंटे में आदमी पहुंच जाता है क्योंकि ये दंडवत प्रणाम करते हुए एक कदम भी पैदल नहीं चले थे, इसमें प्रणाम करते हुए चलना था। तो और एलिवेशन है, हाइट जमीन से लगभग 3,500 फिट हमें ऊपर जाना था, तो इस कारण इसमें 44 घंटे 7 मिनट का समय लगा।